हापुड़ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर बौद्धोत्सव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण कार्यक्रम आयोजन समिति के द्वारा रामलीला ग्राउंड में विचार गोष्ठी कर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पुष्पा देवी नगरपालिका परिषद हापुड़ मौजूद रही, जहां सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के सम्मुख मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता राजेंद्र पाल, पूर्व मंत्री, दिल्ली सरकार वक्तागण प्रोफेसर राजकुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय अशोक सागर राष्ट्रीय अध्यक्ष, समता सैनिक दल मिथिलेश, अध्यापिका मर्यादा अंबेडकर, समाज सेविका, सांस्कृतिक प्रस्तुति करने वाले बहुजन शशि भूषण, कवि डॉक्टर नरेश सागर, दिनेश प्रधान, डॉक्टर सचिन निगम्बा, बहुजन समाज के लोगों ने पुष्प अर्पित कर कैंडल जलाकर नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि भारत रत्न भारतीय संविधान रचित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता, समानता, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य व अहिंसा के प्रबल पक्षधर रहे। साथ ही उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण, सामाजिक असमानता को दूर करने तथा महिला व कमजोर वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था और राष्ट्र निर्माण हेतु समाज के अनियन एवं राष्ट्रीय आर्थिक विकास, संविधान के निर्माण व शिक्षा में बाबा साहिब का योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कार्यक्रम के समापन पर प्रोफेसर ओमपाल आर्टिस्ट ने थाना हापुड़ नगर कोतवाल प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार के साथ मिलकर कैंडल जलाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए हापुड़ से राजेंद्र सिंह के साथ प्रशांत सिंह की रिपोर्ट। और उनका एक ही नारा था कि भाई आप लोग सब लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, तो जो कुरीतियां समाज में आती है उनका त्याग करें, पढ़ाई पे ध्यान दें, आदर्शों पे उनके चले। मेरा इतना ही आपको कहना था, मेरा यही एक अनुरोध था। दूसरा मैं यही कहता हूं कि सबको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अपने जाति से कोई आदमी बड़ा नहीं हो सकता और जातिवाद देश की विकट समस्या है, इसका सबको त्याग कर देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।